एक लतीफा सुनाता हूँ, जबरदस्त किस्म का। बंदर एंड द शेर। बंदर ने शेर से कहा, आई वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ द जंगल। शेर ने बूथी देखी उसकी। शेर ने कहा, फाइन ले ले भाई। बंदर ने शेर से कहा, मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। शेर ने कहा, हजरत आए और बैंस संभालें, आपके अंगारे आपको मुबारक हो। अब बंदर आया, ताज पहना, इज द किंग ऑफ द जंगल। डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन प्रोडक्ट के साथ इसके साथ कंपेयर करें। द बीवर केम। बीवर आया जमीन के अंदर से और उसने कहा, बादशाह सलामत, भेड़ियों ने हमला कर दिया आपकी सल्तनत के ऊपर। 30% डिफेंस लाइन सेबोटाज होकर वल्नरेबल पोजीशन पे खड़ी हुई है। स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन बताएं और हम लायबल अभी ग्राउंड पे लाएंगे, सल्तनत बचानी है आपकी, एम्पायर खड़ा स्टेक के ऊपर। बंदर ने सोचा, बंदर ने गुलाटी शुरू, एक गुलाटियां मारना शुरू कर दी, एक टैनी से दूसरी टैनी से, दूसरी टैनी से तीसरी टैनी से, तीसरी टैनी से बंदर गुलाटियां मार रहा है दबा के। एंड दो पूरी पूरी फ्रंट लाइन थिंकर्स की बहन सोच रही है, कुछ जबरदस्त आइडिया आने वाला है बंदर को इस टाइम। और वो गुलाटियां मारता रहा। तो थोड़ी देर के बाद लोमड़ी आई, आफ्टर हाफ एन आवर, एंड शी सेड, बादशाह सलामत, 70% ऑफ योर एम्पायर ऑफ आइडियाज इंक्रीज। आपसे रिलेट कर लेना, 70% आपका एम्पायर या आइडियाज या जो भी आपकी सल्तनत है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिजियोलॉजिकल है, वो सैबोटास्ट है, वो वल्नरेबल पोजीशन में, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी उड़ चुकी है, लाए अमल बताया मैं करना क्या है इस टाइम। बंदर ने बड़ा गहरा तफक्कुर किया, गहरा तफक्कुर करके ना गुलाटियां शुरू, एक टैनी से दूसरी टैनी से, दूसरी टैनी से तीसरी टैनी से, तीसरी टैनी से चौथी, बंदर गुलाटियों पे गुलाटी और तेज गुलाटी, लग रहा है उनको कि यार मेहनत चल रही है इस टाइम पर गुलाटियां। और उसके बाद पूरा जंगल तबाह हो जाता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज लेफ्ट। और उस टाइम पे जो खरगोश है या एक और जानवर आके कहता है, बादशाह सलामत, अब हमें आपको बचाना है, आप हमारा आखिरी प्रोटोकॉल है इस टाइम पर, आपकी लेगेसी तबाह होने वाली है, प्लीज गिव अस द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि हम सल्तनत कैसे बचाएं आपकी। बादशाह सलामत ने गुलाटियां गोली की स्पीड से तेज कर दी, एक टैनी से दूसरी टैनी से, दूसरी टैनी से तीसरी टैनी से, तीसरी टैनी से चौथी टैनी, सब तबाह हो गया। मरती हुई लोमड़ी ने बड़े प्यार से बादशाह सलामत को कहा, मैं थोड़ा पंजाबी में कहता, तुसी की कीता? बंदर ने कहा, जो मैं कर सकता था ना, मैंने अपने फुल पोटेंशियल दे दिया, मैं गुलाटी मार सकता था। मैं गुलाटी मार सकता था, मैंने गुलाटियां मारी। तो बच्चे अपने आइडियाज, अपने स्टार्टअप्स, अपने बिजनेस, गुलाटियां मारनी है ना, तो गुलाटियां मारन दे नाल इंकलाब नहीं आंदा। यू नीड टू बी डाइवर्स, यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू पुट सम सब्सटेंस इन योर प्रोडक्ट, यू नीड टू प्ले। इंजीनियरिंग इंजीनियर्स तैयार होने लगे, इंजीनियर्स मार्केट में गए, इंजीनियर्स को बड़ी बड़ी चौधरी वाली पोजीशन मिली, मैनेजमेंट ही नहीं आती थी। तो द नीड ऑफ द आवर वॉज टू इंट्रोड्यूस इन द एकेडमिक करिकुलम ऑफ समथिंग कॉल्ड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। व्हेन एन इंजीनियर, द वन हू प्लेस विद द लाइनर एंड द पिस्टन एंड द कैमशाफ्ट एंड द क्रैंकशाफ्ट एंड द कैलिब्रेशन ऑफ द पिस्टन एंड द लाइनर एंड ऑल दिस होल गोइंग ऑन एंड द इलेक्ट्रिकल एंड द सर्किट्स, इफ ही डजंट नो हाउ टू मैनेज द सिचुएशन इन पीपल एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, दे हैड टू ब्रिंग इट इनटू द गेम। क्योंकि अगर एक इंजीनियर सीईओ बन जाता है या फ्रंट लाइन वीपी या वीसी बन जाता है, वीपी बन जाता है, तो वो संभालेगा कैसे? तो दे हैड टू ब्रिंग इट इन, जस्ट लाइक आपके एवोल्यूशन, जस्ट लाइक यू नो द जॉब्स आर नॉट देयर। 2 लाख के ऊपर मेरे भाई ने कहा 50,000 जॉब है, तो 1.5 लाख कहां जाएगा बच्चा हमारा? एंटरप्रेन्योर यू हैव टू, तो वो इनक्यूबेशन लाने पड़ गए इनको। ये वक्त का हमेशा से तर्क रहे हो, तो अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी, अपने प्रोडक्ट में एवोल्यूशन, अपने प्रोडक्ट के अंदर तनव्वो।